Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Root series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. और हम class 2 की book पढ़ रहे हैं और आज हम chapter number 4 start करेंगे. हमारे chapter का क्या नाम है? Food for Us. भोजन जो हम खाते हैं. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम भोजन क्यों खाते हैं और किस तरह का भोजन हम खाते हैं. तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सम एंड सब्सटेंस. इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे फूड के बारे में, सोर्सेज ऑफ फूड, मील्स इन अ डे, बैलेंस्ड डाइट, और हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए, और हम पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में, लाइट मील्स और गुड फूड हैबिट्स के बारे में. बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, फर्स्ट वी हैव टू डू वन एक्टिविटी. इन द बॉक्सेस गिवन बिलो पेस्ट पिक्चर्स ऑफ थ्री हेल्दी फूड आइटम. यहाँ पे तीन बॉक्सेस दिए हुए हैं, आपको उन बॉक्सेस के अंदर तीन हेल्दी फूड आइटम्स की पिक्चर ड्रॉ करनी है या आप पेस्ट कर सकते हैं. फूड, वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड every day. We get food comes from plants and animals. Some food items such as fruits, carrot, radish, tomatoes and cucumber are eaten raw. हम रोज खाना खाते हैं और भोजन हमें किससे मिलता है? पेड़ों से और जानवरों से. कुछ food item जैसे गाजर, मूली, टमाटर, फल और खीरा, ये सब हम कच्चा खाते हैं. Food items such as rice, wheat, eggs and vegetables are cooked before we eat them. Cooking makes food soft, tasty and easy to digest. Chawal, anda, sabjiyan aur gehu, inhe hum paka kar khate hain. Pakne se khana kya hota hai? Soft hota hai, swadisht banta hai aur pachane mein aasan rehta hai. Now we will learn why do we need food? Hamein khana kyun chahiye? We need food because food helps us to keep healthy and strong. It gives us energy to study, work and play. It also helps our body to grow properly. खाने से हमें ताकत मिलती है, हम तंदुरुस्त रहते हैं. ताकत हमें किस लिए चाहिए? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए और किसी भी काम को करने के लिए. और ये ताकत हमें भोजन से मिलती है. Sources of food. अब हम पढ़ेंगे sources of food कि खाना हमें कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है. We get food from plants and animals. हमें भोजन पेड़ों से और जानवरों से मिलता है. They are known as the sources of food. और इन्हें हम क्या कहते हैं? Sources of food, खाने के स्रोत जिनसे हमें खाना मिलता है. Now we will learn food from plant. हमें प्लांट से क्या क्या मिलता है? जैसे वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, कैबेज, स्पिनच, पोटैटो, पीस, बीन्स एंड ओनियन. हमें बहुत तरह की सब्जियां मिलती हैं पेड़ों से, जैसे गोभी, पत्ता गोभी, पालक, आलू, टमाटर और मटर, प्याज, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं. फ्रूट सच एज एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, पीच एंड बनाना. और हमें बहुत सारे फ्रूट्स मिलते हैं, फल मिलते हैं, किससे? पेड़ों से. ग्रेन्स एंड सीरियल्स सच एज वीट, राइस एंड मेज, पेड़ों से हमें अनाज मिलता है. गेहूं, मक्का, बाजरा, ये सब हमें पेड़ों से मिलते हैं. पल्सेस सच एज किडनी बीन्स, चिक पीस एंड लिटेंसेस, दाल, चना, राजमा हमें किससे मिलते हैं? पेड़ों से मिलते हैं. और हमें पेड़ों से क्या मिलते हैं? स्पाइसेस मतलब मसाले, लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये भी हमें पेड़ों से मिलती है. नट्स सच एज ग्राउंड नट, कैशू नट एंड पिस्ताशू मतलब पिस्ता, मूंगफली, काजू, ये सब भी हमें पेड़ों से मिलते हैं. और कुछ पेड़ों से हमें ऑयल मिलता है, तेल, जैसे सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, मूंगफली का तेल, ये भी हमें पेड़ों से मिलता है. तेल में हम अपना भोजन बनाते हैं जिससे भोजन स्वादिष्ट बनता है. फूड फ्रॉम एनिमल्स, बच्चों, अंडा, मांस, मछली, दूध, ये हमें किससे मिलता है? जानवरों से मिलता है. और हमें अंडा
मुर्गी और बत्तख से मिलता है और हमें हनी बी से क्या मिलता है, हनी मिलता है। गाय भैंस से हमें दूध मिलता है और दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे दही, पनीर और चीज़, ये सब दूध से बनता है। और हमें एनिमल से मीट मिलता है, मुर्गी से, मछली से और बकरी से क्या मिलता है, हमें मीट मिलता है। और बच्चों, आप सबको डेली दिन में 2 बार दूध पीना चाहिए, दूध हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ वी विल लर्न अबाउट फूड ग्रुप। बच्चों, खाने को भी 3 डिफरेंट काइंड्स में बांटा गया है। कितने? 3, 3 भागों में बांटा गया है। तो चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड सच एज एग, फिश, मीट, पल्सेस, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज कर्ड, पनीर एक्सेट्रा हेल्प अस टू ग्रो। दे मेक आर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। अंडा, मीट, मछली, दूध और दूध से बनी चीज़ें, दही, पनीर और चीज़, ये सब क्या करते हैं, हमें हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट एनर्जी गिविंग फूड। वो भोजन जिससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड सच एज राइस, पोटैटोज, मिल्क, बटर, ऑयल, घी, ब्रेड, चपाती एंड शुगर गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। दे आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जैसे चावल, आलू, दूध, मक्खन, दही और ये सब क्या देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं काम को करने के लिए, इसीलिए इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। प्रोटेक्टिव फूड्स आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल। प्रोटेक्टिव फूड में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में। ये क्या करते हैं, ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करते हैं और बीमारियों से लड़ने की हमें क्षमता देते हैं, ताकत देते हैं, इसीलिए इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। बच्चों, दिन में आप 3 बार भोजन करते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और ये क्या है, मील्स इन अ डे, कि वो दिन का मील जो हम खाते हैं। ब्रेकफास्ट सबसे पहली मील होती है जो हम मॉर्निंग में खाते हैं, सुबह नाश्ता। और मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, जूसेस, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, एग एंड पराठा, वो खाना है जो हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। लंच जो हम दोपहर को करते हैं, दिन की सेकेंड मील होती है। और लंच में दाल, रोटी, राइस, वेजिटेबल, दही और हम क्या करते हैं, सैलेड खाते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी दिन की सेकेंड मील, जिसे हम लंच कहते हैं। डिनर, डिनर क्या होता है, दिन का अंतिम भोजन। और बच्चों, डिनर हमेशा लाइट करना चाहिए और ब्रेकफास्ट हैवी करना चाहिए। रात के भोजन में दाल, रोटी और सब्जी खानी चाहिए, दही अवॉइड करिए रात को खाना। और आपको पता है, रात के भोजन के साथ लोग क्या खाते हैं, स्वीट डिश, जिसे हम डेजर्ट कहते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट लाइट मील्स। कई बार होता है, आपने दोपहर का खाना खाया, उसके बाद आपको पता है रात को खाना है, लेकिन बीच में क्या होता है, कई बार हमें भूख लगने लगती है, तो हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं, उसे हम लाइट मील कहते हैं। वी मे फील हंगरी इन बिटवीन द 3 मेन मील्स। अभी मैंने आपको बताया कि 3 मेन मील्स के बीच में भी हम ऐसा महसूस करते हैं हमें भूख लगी है। ड्यूरिंग दैट टाइम वी हैव लाइट एंड हेल्दी स्नैक सच एज मिल्क शेक, नट एंड फ्रूट। तो उस बीच में हम मिल्क शेक, नट्स या फ्रूट्स लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लाइट मील, क्योंकि वो हल्की होती है और खाने में सेहतमंद होती है। वी शुड ऑल्सो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे। पूरे दिन में भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। और अब हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट क्या होती है, हम सब भोजन करते हैं, ठीक है, और हमारे भोजन में हेल्दी फैट भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है। तो बच्चों, जिस खाने में इन सब की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं।
A balanced diet contains fruits, vegetables, nuts, pulses, milk, etc. A balanced diet ensures that body gets enough protein, carbohydrate, fats, minerals, vitamins and fiber. देखा, उसने बताया कि balanced diet में जो खाना होता है उसमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं. नाउ वी विल लर्न गुड फूड हैबिट्स. अब हम खाने की अच्छी आदतों के बारे में पढ़ेंगे. वी मस्ट हैव आवर मील्स एट फिक्स्ड आवर्स एवरी डे. अपना भोजन सही समय पर करना चाहिए. वी मस्ट वॉश आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें अपने हाथ धोने चाहिए. हमें अपना खाना धीरे धीरे और अच्छे से चबा कर खाना चाहिए. हमें कभी भी खाने की चीज़ को बिना ढके नहीं रखना चाहिए और बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना चाहिए. उसे खाने से हम बीमार होंगे. और बच्चों, कभी भी हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. जितना आपको ज़रूरत है, जितनी भूख है उतना खाना लीजिए. वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे. रोज़ दूध का एक गिलास तो पीना ही चाहिए. वैसे तो दो गिलास पीने चाहिए, लेकिन कम से कम एक गिलास तो ज़रूर पीजिए. और आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन बहुत खाते हैं, तो ये जंक फूड होता है. वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड. जंक फूड को खाने से बचना चाहिए. वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम. फल सब्जियों को खाने से पहले अच्छे से धो लेना चाहिए, जिससे उस पर जो जंक्स हैं, जो डस्ट है, वो अच्छे से धुल जाए. नाउ टाइम टू हैव अ लुक ओवर. वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एवरी डे. रोज हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं. फूड्स गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, वर्क एंड प्ले. फूड हमें ताकत देता है खेलने में, पढ़ाई करने के लिए और काम करने के लिए. सम फूड्स हेल्प अस टू ग्रो. कुछ खाना हमें बढ़ने में सहायक होते हैं. सम फूड कीप्स अस हेल्दी एंड हेल्प अस टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेज. वी शुड ईट ऑल काइंड ऑफ फूड. हमें हर तरह का खाना खाना चाहिए. एस्टिमेशन कॉर्नर. तो आपने जो चैप्टर में पढ़ा, अब उसी के बिहाफ पर या उसी के बेस्ड हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे. सबसे पहली एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन. सही ऑप्शन को चूज करिए. वी गेट फूड कम्स फ्रॉम डैश एंड एनिमल्स. खाना हमें मिलता है जानवरों से. और किससे मिलता है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लांट्स से. नंबर टू, अवॉइड ईटिंग डैश फूड. कैसा फूड खाने से हमें बचना चाहिए? हेल्दी फ्रूट्स, जंक या वेजिटेबल. तो हम सबको जंक फूड खाने से बचना चाहिए. नंबर थ्री, फूड कीप अस डैश एंड स्ट्रॉन्ग. खाना, भोजन हमें तंदुरुस्त बनाता है और क्या बनाता है? हेल्दी बनाता है. नंबर फोर, डिनर इज ईटन एट. रात का भोजन, डिनर कब किया जाता है? नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून में. तो डिनर किया जाता है नाइट में, रात में. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. खाली स्थान को भरिए. हेल्प बॉक्स दिया हुआ है उसकी हेल्प से. नंबर वन, फूड गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले. भोजन हमें देता है काम करने के लिए और खेलने के लिए. क्या देता है? तो करेक्ट ऑप्शन है एनर्जी. तो हम यहाँ लिखेंगे एनर्जी. नंबर टू, डैश आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड. फूड का मेन सोर्स क्या है? तो आंसर है प्लांट्स. मुख्य स्रोत हैं प्लांट. ज़्यादातर भोजन हमें प्लांट से मिलता है. नंबर थ्री एंड फोर, यू विल डू बाय योरसेल्फ. Now time to do exercise C. State whether the following sentences are true or false. Number one, we should wash our mouth after every meal. हर खाना खाने के बाद हमें अपना मुंह धोना चाहिए. No, हमें अपने hands धोने चाहिए. तो ये statement क्या है? False है. Number two, milk does not help us to grow. दूध हमें बढ़ने में सहायक नहीं होता. दूध पीने से हम बढ़ते नहीं हैं. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स. दूध पीने से हम हेल्दी रहते हैं.
Number 3, grains and milks are healthy food item. Yes, this statement is true. दूध क्या है? Healthy food item है. Cooking makes food hard and unhealthy. खाना cooking बनाने से भोजन सख्त और unhealthy होता है. No, this statement is false. वो soft और tasty होता है. So my dear student, in this video we have learned about different kinds of food. We have learned why do we need food. और हमने पढ़ा क्या? खाने की अच्छी आदतों के बारे में. I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye-bye.